कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। पूरे मामले को लेकर संजीव कुमार नाम के युवक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने अपने भाई गुरविंदर सिंह को विदेश भेजने के लिए आरोपी 15 लाख रुपए दिए थे। गुरविंदर ने वो पैसे आरोपी प्रिंस को दिए थे, मगर अभी तक गुरविंदर किसी भी देश में नहीं पहुंचा है और उसकी फिलहाल कोई खबर भी नहीं है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी प्रिंस पर केस दर्ज कर लिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने शक जताया है कि गुरविंदर सिंह की मौत हो चुकी है। सर, ये मुकदमा नंबर है 893, ये थाना शाहबाद में रजिस्टर्ड हुआ था और केस रजिस्टर्ड होने के बाद मुकदमा इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे मिला। मैंने इसमें इन्वेस्टिगेट किया, इसमें देखा कि एक संजीव कुमार नाम के लड़के ने एक दरख्वास्त दी है कि उसका भाई गुरविंदर सिंह है, उसको विदेश जाने के लिए उसने आरोप लगाया कि 15 लाख रुपये हमने दिया था और वो लड़का जो है वो किसी देश में पहुंचा नहीं और उनको शक है कि वो शायद डेड हो गया या इस तरह के उनके वो हैं। वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा असल मामला पूरा क्या है, लेकिन उसके बाद इसमें आरोपी प्रिंस कुमार का ऊपर इल्जाम था। प्रिंस कुमार को हमने काबू किया और जिससे सामने चुकी करके पूछताछ की और सबूत काबिल गिरफ्तारी गुजरने पर इसको विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया। और बहरहाल गुरविंदर सिंह जिंदा है या नहीं इसका पता तो पुलिस की जांच में चल ही जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी ताकि उससे पूछताछ कर पता लगाया जा सके कि आखिर उसकी गुरविंदर से मुलाकात कब हुई थी और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।